Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are studying and watching video properly and understanding everything. Today, we'll talk about the next part of your Russian Revolution. Russian Revolution में हमने जो discuss किया था. Yesterday, we talked about what changes were brought by the Bolshevik group after the October Revolution. Bolshevik groups ने क्या क्या बदलाव लाए, जैसे हमने अप्रैल क्रिसिस के बारे में पढ़ा था. Bolsheviks जैसे ही power में, they start implementing their ideas. उन्होंने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. एंड अप्रैल के सीज में मेरे पास तीन चीज़ें आती हैं. हमारे पास बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंक को नेशनलाइज कीजिए, गवर्नमेंट के अंडर आ जाए आपका, ठीक है. वार जो है आपकी वो क्लोज कर दी जाए, वार शुड नॉट टू बी एट एंड. एंड लास्ट वन वाज़ द लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजन. तो ये चीज़ जब लागू की गई तो सिंपल सी बात है आपका, लेनिन ने क्या किया कि बैंक को नेशनलाइज कर दिया. वार के लिए ट्रीटी करता है आपका जर्मनी के साथ, दैट विल स्टडी टुडे. एंड लोग जो होते हैं आपके, पीजेंट्स जो होते हैं आपके, वो लैंडलॉर्ड्स की जो लैंड होती है उसको सीज कर लेते हैं और अपने अंडर कर लेते हैं हमारे. सो वी हैव डन दिस. सो ये सब चीज़ें करने की वजह से रशिया के अंदर क्या ये सब जो घटनाएं हुई, क्या ये इतनी स्मूथ थी, क्या बड़े आराम से हो गई? द लास्ट क्वेश्चन वी लेफ्ट दैट, क्या ये सब बड़े आराम से हो गया या जो बोल्शेविक ग्रुप्स जो थे उनको किसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा? सी, कोई भी चीज़ जो चेंज आती है, व्हेन एनीथिंग, जब भी कोई चेंज आता है तो दैट इज नॉट सो इजी, वो इतना आसान नहीं होता. एंड दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ये तो हमारे पास गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है. सो जैसे ही बोल्शेविक पार्टी पावर में आती है आपका, सो व्हाट इट डिसाइडेड, इसने सोचा कि अब दे हैव बिकम द फेमस इन टू द रशिया. रशिया के अंदर काफ़ी फेमस हो गई एंड जो कॉन्फिडेंट थे वो कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई ये पता नहीं लगा. और उन्होंने सोचा कि लेट अस हैव अ इलेक्शन करवाते हैं यहाँ पे असेंबली के लिए. दे स्टार्ट, दे अरेंज द इलेक्शन फॉर द असेंबली, जो रशिया के लिए बनती थी असेंबली उसके लिए इलेक्शन अरेंज कराए. बट व्हाट हैपेंड, देखिए, इन नवंबर 1917 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड बाय द बोल्शेविक ग्रुप. बोल्शेविक ग्रुप ने क्या किया कि रशिया के अंदर 1917 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जब बनाई गई थी आपकी, जिसको सभी लोग इलेक्ट करते थे, आपको याद हो तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के टाइम में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए गए थे जिसमें ऑल पर्सन हैड टू पार्टिसिपेट, जिस यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रेंचाइज को अपनाया गया था. तो उसी बेस पे बोल्शेविक कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए. बट रिजल्ट क्या था, रिजल्ट कुछ उल्टा ही नजर आया कि बोल्शेविक ने जो कंडक्ट कराया था बट दे ज्वाइंट, दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट इनटू द इलेक्शन. लेकिन जब इलेक्शन कराए गए तो जो लोग थे वहां पे उनको मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कि वो जीत नहीं पाए, यानी कि वो हार गए. सिंपल सी बात है, ठीक है. अब हारने के कारण क्या थे आपका, डेफिनेटली वी हैव गॉन थ्रू बहुत सारे ऐसे रीजन रहे होंगे आपके, क्या कारण थे आपके, डेफिनेटली वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स. अब जब वो हार गए तो असेंबली बन गई. असेंबली बनने से क्या हुआ, असेंबली ने अपनी पावर को अपने हाथ में लेने लेकर क्या किया, बोल्शेविक्स ने जितने भी मेजर्स, यानी कि जैसे बैंक शुड बी नेशनलाइज, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, ये सारे तो उन्होंने मेजर्स के सब क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. दे रिजेक्टेड ऑल दिस बोल्शेविक. एंड इन रिस्पॉन्स, अब जब बोल्शेविक जो पार्टी थी काफी ज्यादा पावर में थी, काफी ज्यादा पावरफुल पार्टी थी, जब उसने देखा कि जो असेंबली है उसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने उनके जो उठाए गए कदम उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है. सो उसका रिस्पांस करते हुए लेनिन ने क्या किया, डिसमिस द असेंबली. उसने क्या किया, असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, यानी कि असेंबली को क्या करते हैं, खत्म कर दिया है, उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया. और उसका रीजन क्या बताया, ही टोल्ड द रीजन दैट ही आर्ग्यूड दैट असेंबली वॉज इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन. मतलब जब असेंबली को इलेक्ट किया गया था, बनाया गया था उस समय, हालांकि इन्हीं लोगों ने ही बनाया था, तो उस समय कंडीशन कुछ अलग थी. एंड रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक. तो उनका मानना था कि और रशियन कांग्रेस जो बनी हुई है वो इससे भी ज्यादा क्या आपके डेमोक्रेटिक है, तो हमने उसके लिए इलेक्शन करना चाहिए आपका, ठीक है. डिस्पाइट ओपोजिशन, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, जब ये हुआ तो जो लेनिन था उसने, सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे, विरोध करते हुए भी मार्च 1918 में बोल्शेविक जो लीडर थे लेनिन थे, उन्होंने क्या किया, मेड पीस ट्रीटी विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिट्वॉक. तो ब्रेस्ट लिट्वॉक के अंदर उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ वार
का जो समझौता था वो किया, पीस ट्रीटी की, जैसा लेनिन का इरादा था कि भाई वार शुड बी क्लोज्ड, कि वार क्या कर देनी बंद कर देनी चाहिए। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, जर्मनी के साथ एक समझौता कर लिया, पीस ट्रीटी कर ली और वार को क्लोज कर दिया। जबकि जो रशिया के लोग थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, वो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन जैसा उसने प्रॉमिस किया था तो उसने इसको किया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब धीरे धीरे समय निकला, 2-3 महीने निकले, रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, धीरे धीरे करके बाल्सविक लोगों ने अपनी पावर इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि बाकी सभी पार्टियों को खत्म करके इनके वन पार्टी, पूरे रशिया के अंदर सिर्फ एक पार्टी थी, दैट इज बाल्सविक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जाता है, ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, वही इसकी बनाई गई थी। ट्रेड वही एक अकेली पार्टी रहेगी जो पूरे रशिया के अंदर बनी रही। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर कंट्रोल। अब इससे क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस क्या थी, अपने कंट्रोल में ले ली उन्होंने धीरे 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 करके। देखिए आपको वापस जब किसी के हाथ में पावर आती है तो धीरे धीरे करके जो उनका मोटिव था, लोगों ने इसको सपोर्ट किया था बिकॉज दे थॉट इट इज इट विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों ने बाल्सविक लीडर्स को सपोर्ट किया, बाल्सविक पार्टी को सपोर्ट किया, पूरे रशिया के अंदर बाल्सविक पार्टी को बनाया और लोगों ने सपोर्ट करने का कारण लोग सोचते थे कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आपका, जिनको हम लोग वोट डालते हैं ये सोचते हुए कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरह से यहाँ पे वोटिंग की गई। तो लोगों की उम्मीद थी कि दे विल द बोल्शेविक पार्टी विल डू बेटर फॉर द वर्क, लेकिन अब जो नजर आ रहा था वो कुछ और ही था। बोल्शेविक पार्टी क्या कर रही है, आपकी सारी पार्टियों खत्म कर रही है, उसने नेशनल असेंबली, सॉरी आपका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको खत्म कर दिया। इसके बाद जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उनको क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में रखा, उनको फ्रीली मूव नहीं करने दिया, उनपे हर एक चीज पे क्या नजर रखना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। इसके साथ उन्होंने क्या किया, सीक्रेट पुलिस बना दी। जैसे कोई पावर में आता तो अपने पावर को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या सीक्रेट पुलिस। सीक्रेट पुलिस में क्या था, जो पुलिस बनी थी वो क्या थी, चेका फर्स्ट के नाम से पुलिस थी, OGPU एंड NKVD, ये पुलिस का रशियन नाम है इनके। तो ये पुलिस बनाई गई, वर क्रिएटेड। अब इस पुलिस का काम क्या था, देखिए ये पुलिस तो बना दी गई, सिंपल सी बात है, और इस पुलिस का काम क्या होता था, इट इज सीक्रेट पुलिस, यानी कि ऑब्वियसली बात आपका सीक्रेट पुलिस थी, इसका काम क्या था, सीक्रेट पुलिस पनिश दोस, अभी उन लोगों को पनिशमेंट करती थी हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक पार्टीज एक्शन। जो भी बोल्शेविक पार्टी कोई भी काम करती थी अगर उसके खिलाफ कोई बोलता था तो उसको पनिश करने का काम किसका था, आपका सेम आपका सीक्रेट जो पुलिस बनाई थी बोल्शेविक पार्टी ने, उसका काम था। अब देखिए सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके डेमोक्रेट से क्या बनते जा रहे हैं, आपके डिक्टेटर बनते जा रहे हैं आपके, फिर से वही, यानी कि ट्रेड यूनियंस पे भी कंट्रोल कर लिया इन्होंने, जो आपकी जनता ने जो रिजल्ट निकाला था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर एक सीक्रेट पुलिस बना दी, अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता है तो उसको पनिशमेंट, चाहे वो सही है या गलत है, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, सीक्रेट पुलिस का काम था, कोई भी अगर बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलता तो उसको क्या करो, पनिशमेंट करो, right? All these steps taken by the Bolsheviks was creating tension among the Russian part society. अब धीरे धीरे करके लोगों के पास समझ में आने लगी कि जिस पर्पज से हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लेके आए थे तो वो तो बिल्कुल अलग था, यानी कि पार्टी डिफ्लेक्ट होती जा रही है, यानी कि जहां पे जो काम करने थे वो नहीं हो रहे, जो काम हमें नहीं बताए गए थे वो यहाँ पे किए जा रहे हैं आपने। सो सभी लोगों के अंदर क्या होगा, डिसकंटेंट, यानी कि कहते हैं हमका कि असंतुष्टि फैल गई लोगों के अंदर, लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे बोल्शेविक पार्टी से जिस तरह के काम कर रही थी उसे। सो पीपल लाइक राइटर्स एंड द आर्टिस्ट दे ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया था, ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने का कारण क्या, बिकॉज दे वर गुड फॉर द सोशलिज्म, क्योंकि उनका मानना था ये जो पॉलिटिकल पार्टी है सोशलिज्म लेकर आएगी, जैसा इनका आइडियोलॉजी थी कि बोल्शेविक क्या लेते कि सोशलिज्म को सपोर्ट करना। लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने जो इनका मोटिव था उनसे बिल्कुल दूर हटते चले गए। एंड व्हाट हैपेंड, बट लेटर मैनी बिकम डिसिल्यूजन। अब ये जो लोग थे इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया स्टार्ट में, लोगों को लगा सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों का भ्रम खत्म हो गया, जो लोगों के माइंड में इल्यूजन था पार्टी को लेकर, जो उनकी कहते हैं आपकी उम्मीदें थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, टूटती चली गई। सो बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप एंड द पार्टी एनकरेज, अब ये इल्यूजन कब टूटा, जब धीरे धीरे करके पार्टी ने हर एक चीज पर भी सेंसर, यानी हर एक चीज पर सेंसरशिप लगाना, सेंसरशिप का मतलब है कि हर एक चीज को गवर्नमेंट से पूछ कर किया जाना, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो वो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इन्होंने सेंसरशिप लागू कर दिया, इतनी ज्यादा सेंसरशिप लागू कर दी कि लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाते थे, ठीक है।
और उसकी वजह से क्या हुआ, सो दिस एटीट्यूड ऑफ द बाल्सेविक पार्टी अलोंग विद अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ द सिविल वॉर इन टू द रशिया। अब ये सारी सिचुएशन आने की वजह से क्या हुआ, रशिया के अंदर लोगों को पता लग गया बाल्सेविक पार्टी के जो काम करने का तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरे फैक्टर्स थे सेंसरशिप की वजह से, हर एक चीज पे सेंसरशिप लागू करना, ट्रेड यूनियंस को अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है, तो बिना कंसल्ट के अपने आइडियाज को इम्पोज करना, तो ये सब चीजें धीरे धीरे किस चीज को लीड करके गई, आपका सिविल वार को लीड कर गई। तो किस तरह से फिर हम आगे जो पढ़ेंगे वो सिविल वार के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से रशिया के अंदर सिविल वार हुआ था, क्या हुआ उसके अंदर, विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हो रही हैं उनमें भी आप अपने कंफर्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।